right? Vijaya. फरहान, रितेश, आपकी दिल चाहता है रॉक ऑन और फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सब मेल बॉन्डिंग पे फिल्म थी, तो आपको ये सब्जेक्ट क्यों इतना पसंद है, मेल बॉन्डिंग, बडी लव? आई थिंक यू नो आई मीन हर स्टोरी आपने दिल चाहता है का नाम लिया, रॉक ऑन, वो सब अलग अलग टाइप के मेल बॉन्डिंग फिल्म्स थे एंड दिस इज अगेन अलग, ये काफ़ी उन तीनों में से बहुत ही अलग है। आई थिंक वो एक स्टोरी होती है जो यू आर अट्रैक्टेड टू इट, सो बट ऐसा कोई ये नहीं है कि वी आर ओनली मेकिंग मूवीज ऑन मेल बॉन्डिंग, बट फॉर्चुनेटली मेल बॉन्डिंग फिल्म चलती भी है एंड इट्स वर्क फॉर अस, सो इट्स गुड। व्हाई नोबडी आस्क्स दिस क्वेश्चन टू समबडी हु ओनली मेक्स लव स्टोरीज or somebody who only makes love triangles or somebody who only makes action movies? Why are only male bonding films singled out for this question? Aisi kya khas baat hai male bonding films mein? Picha, naam to aapka film mein Bholi Punjaban hai, lekin jo character hai wo bilkul bhi bhola nahi hai. Ji. Kaisa? Kaisa character hai? Aapko kaisa laga character kaisa hai? Very bindaas, bold. Haan, bas waisa hi hai. बिल्कुल वैसा है। तो भोलापन कहाँ है फिर भोली पंजाबन का? अब मुलायम सिंह यादव का नाम मुलायम है, वो मुलायम कहाँ से है? जब पहली बार ही मैंने पढ़ा फुकरे के बारे में और जब मैं साइन करा था, तो जब मैंने पहली बार ही पढ़ा तो मैं काफ़ी रिलेट कर सकता था। मैं पंजाब से हूँ, आई एम फ्रॉम जलंधर, तो मैं खुद भी अपने टाइम में काफ़ी फुकरा था और फुकराबंदी मैंने करी थी अपने अपने मैनर्स में करी थी, तो जब मैंने पढ़ा एंड काफ़ी रिलेट कर सकता था और बाकी का जो था उससे कहीं ज़्यादा अमरीक सर ने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं फुकरा हूँ और आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू से दैट। जब मैं स्कूल में था तो बचपन से मैं फुकरा था स्कूल में ही, तो आज ये बेंचेस में बैठ के मुझे स्कूल की याद आ गई है, तो और फील आ गई मुझे फुकरा बनने की। आई थिंक ऑल ऑफ अस लाइक पुलकित सेड देयर इज अ फुकरा इन एवरीवन। बहुत मजा आया सुन के पहले ही, आई थिंक आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड मोर एक्साइटेड आफ्टर सीइंग दिस ट्रेलर। मैं भी पहली दफा देख रहा हूँ, सो फुकरा इज बेसिकली डेली स्लैंग बोली, तो मैं दिल्ली में जब था तो फुकरा ही था, यहाँ पर आके भी 7 साल जब मैंने वेट करी है अच्छा काम मिलने की, तब भी मैं फुकरा ही था। तो आई थिंक इसमें जिस लेवल की फुकरा बनती हमने दिखाई है वो हमने स्कूल में भी करी, कॉलेज में भी करी और आई थिंक करते रहेंगे। पर्सन शुड ऑलवेज रिमेन अ फुकरा एट हार्ट। I just want to know, was there any time in your life where you felt like a complete fukra? They could see that question coming. आपको शायद पता होगा, मैंने काफी बार कहा भी है अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में, जब लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में पूछा है, तो 2 साल ऐसे थे मेरी जिंदगी में जब मैंने कुछ नहीं किए थे और my mom almost threw me out of the house। तो जहाँ तक फुकरेपन का सवाल है, I think that definitely qualifies as my years of being a fukra. Every time you used to come up with the very known stars in your movies, so this time you're coming up with the very new faces. So what's the, would you like to elaborate on that? Yeah, I mean, we've been fortunate to have worked with some very established stars, and now we are very fortunate to work with future stars. So it's good to be on both sides of the fence.